अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोग के साथ फिर से एक न्यू व्लॉग लेके आई हूँ। तो मैं जा रही हूँ इको पार्क और आपको इको पार्क के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, पूरे एक्सप्लोर करूंगी, मेरे एक्सपीरियंस ये सब सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो की तरफ। तो हम लोग अभी ऊपर चलते हैं। तो ये है इको पार्क गेट नंबर 4 एयरपोर्ट बाउंड बस स्टैंड। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे गेट नंबर 4 से। तो अभी हम लोग गेट नंबर 4 से इंटर करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ गेट नंबर 4। तो ये है इको पार्क का गेट नंबर 4। तो हम लोग इससे इन करते हैं यहाँ से हम लोग। तो ये है आपका टिकट काउंटर, इको पार्क का गेट नंबर 4 का टिकट काउंटर। तो ये है टिकट हमारा। तो अभी हम लोग इंटर करते हैं यहाँ पे। ये दिखा के गेट बहुत ही प्यारा सा बनाया गया है, पंछी टाइप का, बर्ड्स टाइप का, जो कि बहुत सुंदर। तो ये है चिल्ड्रन पार्क, इको कार, टॉय ट्रेन, बोटिंग के लिए इधर है। और आपका ये पूरा बोर्ड है तो आप देख सकते हैं, 7 वंडर के लिए इधर है, गेट नंबर 4 इधर है जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाती हूँ। तो ये है आपका बटरफ्लाई गार्डन और इसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई गार्डन में हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई देखने को मिलेंगे और देखते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स के ऊपर छोटे छोटे बटरफ्लाई बहुत तरह के रहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ फ्लावर्स, आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और बटरफ्लाई तो हम लोग को देखने को अभी तक तो नहीं मिला, बटरफ्लाई गार्डन बोलते हैं, पर छोटे छोटे बटरफ्लाई हैं जो कि नॉर्मल है, जो कि यहाँ पे हैं। फूल है ये, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो जिनमें है फ्लावर्स के ऊपर आपको बटरफ्लाई दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरीके के ये सब के बटरफ्लाईज देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो ये पूरा बोटिंग के लिए है, तो आप यहाँ पे बोट में आराम से बोटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर आप जाइएगा तो ये एक छोटा सा भूलभुलैया है जिसको कहते हैं स्कल्पचर गार्डन ऑन हिस्ट्री ऑफ बंगाल। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। ये है आपका टॉय ट्रेन। तो ये आपको पूरा इको पार्क भी घुमाता है, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं पूरा इको पार्क घूमने में। और आपकी मर्ज़ी, जैसे भी आप घूम सकते हैं, पैदल घूमना भी बहुत अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे फूड कोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो आप आ सकते हैं, बहुत ही इंजॉयबल प्लेस है। ये है आपका, यहाँ पे आपको बोटिंग करने को मिलते हैं, पर पर्सन 200 है। तो आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ दूर वहाँ पे इफिल टावर है, ये आप देख सकते हैं इफिल टावर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही आर्ट से। यहाँ पे आपको किसान अंदर मिलेंगे और भी बहुत बहुत तरह के, मतलब जो गांव में चलते हैं वैसे वैसे आर्ट्स हैं अंदर में, तो आपको देखने को। ये इस तरीके से पूरा अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका ये टिकट काउंटर है। हम लोग चलते हैं अभी और आगे। तो ये आपका हर्बल गार्डन है जो इस्टेब्लिश हुआ 2015 में। तो ये फाउंटेन शो है, इसका टाइम है अभी 5:45 से लेके तो 6:15 से भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना क्राउड है। तो यहाँ पे अभी बस स्टार्ट होने वाला है फाउंटेन शो, तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फाउंटेन, म्यूज़िक फाउंटेन।
हम लोग आगे और भी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये एक फाउंटेन है जो कि बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये रोज है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। तो अभी मैं आपको मिस्ट गार्डन दिखाने जा रही हूँ। तो ये है मिस्ट गार्डन जो कि आप देख सकते हैं। पूरा मिस्ट गार्डन है ये आपका। तो हम लोग चलते हैं जिराफ के पास। तो चलिए, और ये आपका जिराफ है, जिराफ का सेक्शन है यहाँ पे। आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको फूड का पूरी पेट पूजा हो जाए, बहुत ज़्यादा घूम लिया हमने। तो हम लोग ने बहुत घूम लिया और अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।